सबसे पहले तो आपका स्वागत है मॉन्टी जी। जैसा कि हमने सुपर साइकल्स के बारे में सुना है कि ये एक डीजे बेस्ड बैंड है, अन्य बैंड से ये किस तरह भिन्न है आपका सुपर साइकल्स? सुपर साइकल्स में वैसे तो बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन अगर एक बार में बोला जाए तो इस बैंड का जो एनर्जी लेवल है ना बहुत हाई है। मतलब लाइक अगर आपने कोई भी अभी तक आर्टिस्ट देखा होगा ना, तो अगर आपने सुपर साइकल्स को परफॉर्म करते हुए देख लिया तो आप सबको भूल जाओगे, ये सुप्रीम लेवल है। जैसा कि डीजे बेस्ड बैंड को लेकर अभी इंडियन म्यूजिक मार्केट में उतना क्रेज नहीं है, या ये कहा जाए कि लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, तो आप इस चीज को किस तरह लेते हैं? ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि जानकारी वैसे तो हम मंथ में लाइक मान के चले हम 20 शोज तो करते ही हैं, 15, 20, 25 कभी ऐसा रहता है। तो अगर हम बोलें कि अभी तक लोगों की नॉलेज में नहीं है, तो जब नॉलेज में होगा तो फिर शोज की क्वांटिटी बहुत बढ़ने वाली, तो बहुत पॉजिटिव जा रहा है हमारे लिए। तो ये सुपर साइकल्स की शुरुआत कैसे हुई और आपके मन में सुपर साइकल्स का नाम ही क्यों आया, इसको लेकर कोई खास वजह? सुपर साइकल्स, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरा फेवरेट है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है मेरे से। सुपर साइकल्स एक्चुअली क्या होता है, हर इंसान के अंदर ना एक साइको फिजिकल नेचर होता है, तो वो हर किसी में पाया जाता है, हमारे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। तो हमें पार्टी में पार्टी को हिट करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए ना बहुत फ़ायदा करता है, मतलब ये फ़ायदा मिल जाता है इससे हमें। और ये नाम क्यों आया, यार मेरे जितने भी फ्रेंड्स, हम एक्चुअली क्या होता है, जब हम बैंड बनाते हैं ना या कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, जब ये क्रिएट किया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरी नॉलेज में थे जो लाइक मेरी तरह बिल्कुल क्रेजी थे, पागल सुपर साइकल्स, हाँ। तो फिर उनको वो माइंड में रहा करते थे पहले से, तो हमने सोचा कि हाँ जब भी कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे तो उन सबको इस बैंड में होना होगा। तो बस इसी वजह से सारे लोग आज हमारे साथ हैं और ये सुपर साइकल्स हैं। आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बदल रही है, ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आप जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिविजुअल्स के लिए चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं क्या, और आप उन्हें कैसे लेते हैं? टेस्ट चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा, टेस्ट चेंज किया जाता है। म्यूजिक हमेशा ना क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है और टेस्ट हमेशा चेंज होता रहता है। सुपर साइकल्स का टेस्ट मतलब क्या बताऊँ मैं उसके बारे में, सुपर साइकल्स का टेस्ट जिसने भी, जो ऑडियंस होती है ना हमारी, वही जानती है कि सुपर साइकल्स का टेस्ट क्या है। और ये तो मेरा फेवरेट है, मैं शो पे परफॉर्म नहीं करता, बट जब जाता हूँ ना शो पे तो मैं पागल होता हूँ, क्योंकि क्रेजी हो जाता हूँ इस चीज़ के लिए। और रही बात चैलेंजेस बढ़ने की, यार ये तो फेवरेट पार्ट है, अगर चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता हमारा। लाइक लगता है ना कि कुछ चैलेंज किसी ने दिया तो फिर लगता है हाँ कुछ करा जाए, तो क्रिएटिविटी और अच्छे तरीके से निकल के बाहर आती है। और जितने भी लोग सामने होते हैं और हम बोलेंगे कि बहुत सारे डीजे बेस्ड बैंड हैं या फिर और भी बैंड्स हैं, और भी आर्टिस्ट हैं, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है। तो इसके लिए तो मैं कुछ भी क्या बोलूँ आपके लिए, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना तो उसको बोला जाता है फाड़ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है उन्होंने। बेस्ट पार्ट सुपर साइकल्स का यही है कि बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, ये हर क्लाइंट सबने सुना है। यदि कोई एक डीजे के रूप में करियर बनाना चाहता है तो आप उसको क्या राय देंगे, क्या इस फील्ड को करियर के रूप में देखा जा सकता है? ऑफकोर्स देखा जा सकता है, आप देखो हमें देखो और भी आर्टिस्ट को देखो, बहुत अच्छा करियर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और डीजे के अगर रूप में देखना है आपको, हाँ आप देख सकते हो, हमारे पास डीजे कामिल है, शिल है, ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बहुत अच्छा डीजे प्ले करते हैं, तो आप उनसे देख सकते हो, सीख सकते हो काफ़ी कुछ। और आप आर्टिस्ट बनो, आर्टिस्ट बहुत अच्छा होता है, उनका दिल भी साफ साफ होता है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और कैरियर तो बहुत ही अच्छा है।